वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देव स्वागतम देवतुल भाइयों, चारों वेदों में ऋग्वेद इस दुनिया की पहली पुस्तक है, सबसे पुराना ग्रंथ है। ये प्रोफेसर मैक्स मुलर हैज रिटन दिस थिंग कि द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, और उसका पहला मंत्र है, मंत्र विचार को कहते हैं, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुम। हे मनुष्यों, अग्नि ये पुरोहित का कार्य करती है। पुरोहित का अर्थ परहित, दूसरे का भला करती है, और जहां दूसरे का भला होता है वहां पर अपना भला तो अपने आप ही होता हुआ चला जाता है। और फिर ये यज्ञ भगवान ये देते क्या है, ये रिद्धियां और सिद्धियां दोनों इसी जीवन में प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अथर्ववेद इस सिद्धांत को कितने एक लाइन में कह देते हैं, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। यज्ञ क्या है, ये इस विश्व की, इस वर्ल्ड की ये धुरी है, एक्सिस है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि सारी ये दुनिया इसी यज्ञी भावना के ऊपर जीवंत है और चल रही है। यज्ञी भावना का मतलब श्रेष्ठ बातों को अपने अंदर धारण करना, मन में अच्छाइयों को धारण करना, मिलजुल करके सेवा के कार्य को करते जाना, इसी के यज्ञी भावना कहते हैं। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा, अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा तो जीवन कैसे चल सकता है। प्रकृति तो अपना यज्ञ स्वयं कर रही है। आपको मालूम होगा कि जितने ये पौधे हैं ये सूर्य से फोटॉन्स को लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को साथ में लेकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं, और जो भोजन बनाने के रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन हम आप लेते हैं और हमारी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेकर अपना भोजन बनाते हैं, उनका दिया हुआ हम खाते हैं, हमारा दिया हुआ वो खाते हैं। इसी को सहयोग और सहकार, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सेल्फलेस, इसी भावना को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ जिसको नोबल डीड्स कहते हैं वह इसी भावना को पैदा करती है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि यज्ञ कैसे किया जाए। हमारे भारतीय ऋषियों ने अग्नि पूजा तो दुनिया के हर कोने में होती है, लेकिन भारतीय ऋषियों ने उसका बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म दिया है। कैसे, आपने शायद गायत्री परिवार के यज्ञ मंडल को देखा होगा, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, नीचे ब्लैक, बीच में रेड, ऊपर व्हाइट कलर के स्टेप्स होते हैं। ब्लैक का मतलब तमोगुण, डार्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बीच का है रजोगुण और ऊपर का है सतोगुण। हर मनुष्य में दुनिया 3 चीजें, हर मनुष्य में तीनों चीजें होती हैं, लेकिन इन तीनों का बैलेंस कैसे होगा, तीनों का संतुलन कैसे होगा, यज्ञी भावनाओं से संतुलन होता है। यज्ञ इन्हीं तीनों का संतुलन पैदा कर देता है, और जब एक बैलेंस होता है तभी ग्रोथ होती है, अन्यथा ग्रोथ नहीं हो सकती है। फिर यज्ञ हम सब कैसे करें, परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, फैमिली के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, पूरे एनवायरनमेंट से निगेटिविटी को हटाने के लिए जो सबसे बड़ा यज्ञ उन्होंने किया 1958 में, वो 1000 कुंड का गायत्री महायज्ञ मथुरा में संपन्न किया। और उसके बाद 1995 तक 27 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण विश्व में संपन्न हो गए। वो कैसे थे, वो था संविधायक था। अभी उनके जन्म शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष उनकी शहीद को आए हुए पूरा हो रहा है,
1551 कुंड यज्ञ के माध्यम से गंगा जी के किनारे हरिद्वार में व्यक्तिगत कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व में पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस को भर देने के लिए ये महान प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। परम पूज्य गुरुदेव जी ने जब 1990 में अपनी शरीर को छोड़ा तो यज्ञ भावना को पैदा करना नितांत आवश्यक है। इन्होंने बड़ा सरल तरीका सारे विश्व को दे दिया, उसका नाम है दीप यज्ञ। दीप यज्ञ, केवल एक दीपक अपने घर में जलाइए, 7 दिन में 1 दिन या प्रातः काल आप उस दीपक को जला लीजिए, जब आप उपासना पर बैठिए, दूसरे कटोरी में आप जल रख लीजिए और एक चम्मच रख लीजिए, आप पवित्रीकरण कर लीजिए। एक अगरबत्ती अगर आपके पास है, आप अगरबत्ती आप जला दीजिए, ऑटोमेटिक यज्ञ चल रहा है। केवल भगवान भावना चाहता है, जिसमें आपने दीपक जलाया, दीपक ही ये सूर्य का प्रतिनिधि थे, सिंबल ऑफ द सन। और परम पूज गुरुदेव ने जब 1990 में सही छोड़ा, अखंड ज्योत 1988 जनवरी पेज नंबर 28 पर परम पूज गुरुदेव ने लिखा कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो क्षण भर के लिए मैं निराकार हो जाऊंगा, अपनी आत्मा को उसी अखंड दीपक में डाल दूंगा, अखंड दीपक ही मेरी प्रतिमा होगी, देर सवेर वंदनिया माता जी उसी अखंड दीपक में समाहित हो जाएंगी और उस संयुक्त प्रतिमा होगी। तो दीपक प्रज्वलन का मतलब आत्मा का साक्षात प्रतीक, सूर्य का प्रतिनिधि, पूज्य गुरुदेव माता जी का साक्षी। बस अब यज्ञ में बहुत शरण उन्होंने कर दिया कि आप 12 बार गायत्री मंत्र कहिए, और जब 1 बार गायत्री मंत्र पूरा हो, इदम गायत्री इदम नमम कह करके 1 चम्मच जल दीपक के नीचे डाल दीजिए, फिर 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से डाल दीजिए, एक अपने कल्याण के लिए, एक परिवार के लिए, कोई फिजिकली मेंटली ईड है या कोई परेशान है, अगर फिजिकली ईड है तो उसकी स्पीडी रिकवरी की भावना करते हुए, किसी के सक्सेस की भावना करते हुए आप यज्ञ भगवान के दीपक के चरणों में अपनी आहुतियां डाल दें, और बाद में फिर आप सबके कल्याण की भावना से एक महामृत्युंजय डालें, अर्थात 3 बार कम से कम महामृत्युंजय का आहुतियां डालें और 12 बार गायत्री महामंत्र से आहुतियां डालें। इदम गायत्री इदम नमम कहते हुए, इदम महामृत्युंजय इदम नमम कहते हुए, और फिर उसी अगरबत्ती से आप आरती कर लें। जिस जल को आपने डाला था दीपक के चरणों में, दोनों जल आपस में आप मिला लें, सूर्य भगवान का निदान कर लें, थोड़ा सा बचा लें और 1 चम्मच जल खुद पी लें प्रसाद रूप में, यज्ञ भगवान का प्रसाद, महान तपस्वी ऋषि युग्म का प्रसाद हम धारण कर रहे हैं, और दूसरों के कामना की भावना से वितरित कर दें, बस दीप यज्ञ पूरा हो गया। ये दीप यज्ञ क्या है, ये अगर हम विज्ञान की भाषा में एक चिकित्सक के रूप में बात वार्ता करें तो जिस समय हम मंत्र को कहते हैं अग्नि के समक्ष जाती है और हमको प्रेरणा देती है, इसीलिए विज्ञान इसको कहता है ऑडियो विजिबल ऑटो सजेस्टिव डिवाइस। थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो रिच, अपने को सजेस्ट करिए आगे बढ़िए। दीप यज्ञ अपने को पॉजिटिव बनाने का, अपने को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सरल तरीका, जिसमें उनकी शक्ति चल रही है, हमको आपको प्राप्त हो गई है। अगर हम आप करेंगे 7 दिन में 1 दिन भी अगर दीप यज्ञ करते रहेंगे तो हमारा विश्वास है आप उस फल को प्राप्त करेंगे जैसा लाखों लोग प्राप्त करते चले जा रहे हैं, कि आप निरंतर मेंटल पीस हार्मनी, अंदर में एक जील आपके बनती चली जाएगी, प्रॉपर सॉल्यूशन आपके मन में मिलता हुआ चला जाएगा, एंड ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जीवन आपका अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति।